बच्चों गुड मॉर्निंग। हिंदी जीके भाग दो के अंतर्गत पाठ तीन देव कवित्व तीसरा देखेंगे। फटिक शिलानी सो सुधारय सुधा मंदिर उदरी गदी को सो अधिकाय मगे यमंद बाहर से भीतर लो भीत ना दिखाई देव दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसवद तारा सी सरण तामे ठाड़ी जिन मिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरती से अंबर में आवासी उजारी लगे प्यारी लालिका को प्रतिबिंब को लगत चंद। प्रसंग में यहाँ कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का चित्रण किया है। व्याख्या में चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर निर्मित किया गया हो। जैसे दधिका समुद्र अत्यंत तीव्रता से उड़ रहा हो उसका वेग किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है। कवित्व कहता है कि चांदनी का सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाहर या अंदर किसी प्रकार की कोई दीवार या रुकावट नहीं दिखाई देती है। सर्वत्र चांदनी का सौंदर्य इस प्रकार फैला हुआ है जिस प्रकार फर्श पर दूध के पारदर्शी झाग फैले हुए हों तारों से भरी रात इस प्रकार झिलमिला रही है जिस प्रकार सितारे जड़ वस्त्र पहने युक्ति झिलमिला रही हो तारे मूर्तियों की आभा मिश्रित मल्लिका के सफेद फूलों के समान पराग कण बिखरते प्रतीत हो रहे हैं। दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सराब चांद अनुपम सौंदर्य से युक्त राधा के प्रतिरूप जैसा लगता है। भाव सौंदर्य में यहाँ कवि ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का सजीव वर्णन किया है। कवि का यही उद्देश्य अनेक उपमानों से सार्थक रूप पाने में सक्षम हुआ है। सिर्फ सौंदर्य में पूर्णिमा की चांदनी रात का मनोहारी चित्रण किया है। संपूर्ण पद्यांश में उपमा और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य स्तंभ है। कवित्व छंद का सकुशल प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रांजल रूप स्तंभ है। भाषा भावानुरूप एवं प्रभावमयी है। बिंब प्रयोग अनुपम बन पड़ा है। पद्मैत्री ने भाषा को लयात्मक बनाया है। शब्दार्थ देखिए पायन पैरों में नूपुर घुंघरू मन सुंदर कट कमल किंकिन पाजेब लसय सुशोभित पट वस्त्र हलसय आनंदित होना क्रीट मुकुट मुखचंद मुखरूपी चंद्रमा जुहाई चांदनी सहाई सहायक डार डाली द्रुम पेड़ नव नए सुमन फूल झिंगूला झबला केकी मोह कीर तोता हलावय बातों की मिठास कन्यकली कमल की कली मदन कामदेव चटकारी चुटकी फटिक स्फटिक शिलान शिलापर उदधि समुद्र उमगे उमड़ना अमन जो कम न हो भी दीवार मल्लिका बेले की जाति का एक सुंदर फूल मकरंद फूलों का रस आरसी दर्पण। होमवर्क में रीड कवित तीन प्रसंग व्याख्या भाव सुंदर शिल्प सुंदर लर्न करना तथा शब्दार्थ राइट करना। दैट्स ऑल।